वेलकम टू माय ब्लॉग नाही व्लॉग दा तू कशी स्टार्टिंग करशील बोल चल हाय गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है दादा के अभी मतलब मेरे भाई के अभी थोड़े ही दिन बाकी है इंडिया जाने के लिए। सो ये बहुत ही सैड न्यूज है। दादा का फेस देखो। ओके तो दादा के अभी थोड़े ही दादा को आज पूरा 1 वीक कंप्लीट हुआ है यहाँ पे आके। लास्ट सैटरडे दादा यहाँ पे आया था, आज है सैटरडे। सो टोटल 1 वीक कंप्लीट हुआ है एंड मैंने उसका हर दिन का व्लॉग बनाया है। बीच में के 3 दिन का शायद मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ किया नहीं। वो जगह जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया वो आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने मेरे व्लॉग में पहले देखा हुआ है, तो वो मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया। तो हम लोग गए थे एक दिन यास मॉल। सो वो है यास आइलैंड में, वहाँ पे उसको कुछ शूज़ देखना। आप दुबई आए हो, अबूधाबी आए हो और शूज़ ना ले ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे शूज़ का बहुत सारा वराइटीज़ मिलता है, मतलब यूनिक पीस मिलता है। तो यहाँ पे नाइकी और पुमा का और वैंस। सो उसने बहुत सारा शूज़ का शॉपिंग किया है एंड ये पीछे जो दिख रही है उसने भी चांस मारा है, उसने भी बहुत सारा शूज़ लिया है। सो यस, हम लोगों ने उस दिन एक दिन शूज़ के लिए हम लोग गए थे, उसका मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। एंड हाँ, वहाँ पे हम लोग को एक बड़ा आदमी दिखा था। वहाँ पे हम लोग को एक बड़ा आदमी दिखा, बड़ा मतलब वो वैसे भी बड़ा है एंड पैसों से भी मतलब बिजनेसमैन है। तो वो इंडिया से आया था और हम लोगों ने ऐसे अचानक से देखा उसको, इतना बहुत सारा सिक्योरिटी था। तो मैंने फ़ोटो वीडियो या ऐसा कुछ निकाला नहीं क्योंकि उसका सिक्योरिटी देख के मैं एकदम डर गई थी कि फ़ोटो या वीडियो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं था। तो वो आदमी कौन था दादा, कौन होता दो अपना भेटलेला दो अंबानी। तो मुकेश अंबानी मतलब मुकेश सर का बेटा अनंत अंबानी और उसकी फियांसी राधिका मर्चन, वो दोनों भी थे लेकिन उनको बहुत सारा सिक्योरिटी था। तो हम लोगों ने फोटो या वीडियो मैंने नहीं निकाला एंड मैं व्लॉग भी नहीं कर रही थी उस दिन पे। तो हम लोगों ने आंखों से देखा, वही काफ़ी था, वही अच्छा लगा। एंड हाँ, मेन थिंग वो इतना डाउन टू अर्थ है कि उसने विश किया, हम लोग को हाय हेलो किया, ताकि हम लोग 3 फीट पे थे क्योंकि उसका सिक्योरिटी 10 फीट के अराउंड उसके था। तो हम लोग उसको हाय हेलो किया, उसने भी हाय हेलो किया, स्माइल दिया, बहुत अच्छा लगा वो। एंड देन सेकेंड डे पे हम लोग गए थे मॉस, ग्रैंड मॉस पे। तो उसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके लिए अभी मैंने कुछ बनाया नहीं। देन शाम को हम लोग गए थे अलवदबा। तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे सबका स्टोरी डाला था, तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो जाके मेरा इंस्टाग्राम पहले फॉलो करो ताकि आपको गुड्डी तो वो टाइम के ना लगे। उगड़ जरा दादा, हेल्प कर ये मैं। सो सॉरी। तो इंस्टाग्राम मेरा फॉलो करना, आपको हर एक टाइम का आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग कल गए थे फायर शो देखने के लिए, उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप दादा का बनाया, वो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई, तो दुबई हम लोग का बहुत सारे जगह पे हम लोग घूमने वाले हैं दुबई पे। सो अबूधाबी से दुबई है 1.5 आवर। सो हम लोग कार से अभी निकल गए हैं, तो आप दादा का वो क्लिप देख लेना, तब तक हम लोग पहुँचते हैं दुबई। A few moments later. So, हम लोग अभी पहुंचे हैं दुबई। So, सबको पता है ये है दुबई का शेख सैयद रोड, जो मेन रोड है। So, ये है फ्यूचर म्यूजियम। हम लोग सब आने वाले हैं लेकिन हम लोग पहले जा रहे हैं अभी दुबई मॉल बुर्ज खलीफा देखने। दादा का फोटो शूट चालू हो गया है यहाँ पे। दादा मेमोरी काय झालं बघा, त्या मोबाईल नेमका चालत नाही एवढं चांगला।
आले काय फोटो? दादा उद्या जाणार होत आपण तिथे. अग फोटो बघतोय रे, फोटो नाही आले त्याच्या मोबाईल. उद्या जाणार, डोंट टेक टेन्शन, विल गो टुमारो. ड्रायव्हर कॉन्सन्ट्रेट करत आहे कारण का दुबईचा रोड असा बेकार आहे की एक एक्झिट चुकला की मग सगळं फिरून यायला लागतं. ए दादा मेट्रो पण मेट्रो बघितलीस काय? दादामुळे मेट्रो काय बघायची मुंबईत पण. अभी पहुंच गए दुबई मॉल एंड एज यूजुअल दुबई मॉल में आप कितनी बार भी आओ आपको अगर कहाँ पे जाना है तो वो ढूंढना ही पड़ता है. तो ये पूरा बहुत बड़ा मॉल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल है. सो हम लोग को जाना है बुर्ज खलीफा क्योंकि 1 बजे फाउंटेन शो है तो वो मिस हो जाएगा. तो डायरेक्ट शाम को 6:30 बजे है तो वो हम लोग पहले कवर करेंगे फाउंटेन शो. तो इसके लिए हम लोग अभी बुर्ज खलीफा के उधर जा रहे हैं. दादा एकदम हीरो हाँ काइफन बोल यार. तो अभी हम लोग जाके आपको दिखाते हैं फाउंटेन शो. सो उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल चेक इन के लिए. सो ये ब्लॉग का एंड तक देखना, ये ब्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है, अच्छा अच्छा आपको देखने मिलेगा. सो एंड तक देखना मेरा ब्लॉग. अभी फाउंटेन चालू होने के लिए 5 मिनट बाकी है और यहाँ पे बहुत सारा रश है, आप देख सकते हो. सो ये सब लोग फाउंटेन के टाइमिंग के वजह से ही मतलब फाउंटेन देखने के लिए आए हुए हैं. सो आपको अगर आना है फाउंटेन देखने के लिए तो इसका टाइमिंग है 1 बजे 6:30 बजे शाम को एंड रात को 11:30 बजे. तो आप वो टाइमिंग पे यहाँ पे आके फाउंटेन देख सकते हो. एंड दुबई अगर ये मतलब ये जगह पे आने के लिए आपको इजी वे है, अगर आपको मॉल से एग्जिट करना है तो एप्पल स्टोर आप ढूंढना, एप्पल स्टोर से ये बराबर एग्जिट है तो आप आराम से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो. एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाउंटेन शो जो भी चालू हो जाएगा. गाइस सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, 1 बजे हम लोग आधा घंटा वहाँ पे वेट कर रहे थे लेकिन वहाँ पे कुछ भी फाउंटेन शो वगैरह नहीं हुआ. सो 1:30 के टाइम पे गूगल में तो दिया है लेकिन वहाँ पे कुछ फाउंटेन शो नहीं हुआ. सो अभी शाम को 6 से 11-11 बजे तक रहता है. सो अभी हम लोग आए हैं एक्वेरियम के यहाँ पे तो दादा को थोड़ा एक्वेरियम दिखाते. ते ब्लू पण चांगला. कोणता? हिंदी सॉन्ग आहे क्लाउड्स, क्लाउड डिझाईन. अभी जो आपने थोड़ा सा क्लिप देखा वो हम लोग गए थे कॉन्वर्स में क्योंकि मेरा बर्थडे है 10 दिन के बाद. तो क्रिस्टल मेरे को गिफ्ट कर रहा है कॉन्वर्स क्योंकि मेरे को कॉन्वर्स बहुत टाइम से लेने का था. तो हम लोग को शॉप देखा तो हम लोग गए लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को जो पसंद आया उसमें मेरा साइज नहीं था. तो अभी हम लोग आए फूड कोर्ट तो हम लोग अभी डिसाइड करें क्या खाने का. सो फाइनली हमारा मैकडी हो गया है, होगा ना वेट. सो फाइनली हम लोग का कन्फर्म हुआ है मैकडी और यहाँ पे है बॉम्बे चौपाटी. लाल उनका बड़ा पाव खाता है ना? यस तिकडे मेरा भाई एकदम बात करने में एकदम साइलेंट है, वो ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि उसका मस्त एक ही रिएक्शन है. मस्त मस्त यस यस ओके ओके या. सो अभी हम लोग यहाँ से
टेक अवे ले रहे हैं शायद, टेक अवे लेके हम लोग होटल में जाके खाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं और यहाँ पे पूरा फुल है तो यहाँ पे टेबल मिलना भी मुश्किल है, तो हम लोग टेक अवे लेके डायरेक्ट अभी होटल में जा रहे हैं। तो ये है हम लोग का होटल, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आवाज कधी करणार? आम्ही चिकन खाल्लं आलेलो आहोत आतमध्ये, हम लोग अंदर आ चुके हैं। दादा पहिले देख रहे व्ही कोणता व्ही भेटलाय, बुर्ज खलीफा। सब लोग पहले व्ह्यू देख रहे, यहाँ से क्या व्ह्यू देख रहे हैं? चिकन वगैरह होने के बाद हम लोग अभी चेंज करके आए हैं पूल में एंड ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी पूल में उतर गए हैं। सो यहाँ का पूल भी इतना बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है एंड वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए पूल सेक्शन है एंड जकूजी है। सो हम लोग अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे एंजॉय करें, थोड़ा नहीं बहुत टाइम एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे रूम पे फिर से। सो अभी फिलहाल तो हम लोग एंजॉय करते हैं एंड यहाँ का व्यू तो इतना मस्त है। एवढ्या हाइटला कसं रे काच अप करणार? तो ये है हमारे सेकंड रूम से व्यू। सो ये भी 59 पे ही है और ये पूरा मेन शेख सैयद रोड है, लेकिन यहाँ का ग्लासेस इतना क्लीन नहीं है। यहाँ पे है दूसरा, ये है पूरा ऐसा रूम। वाव, ये है सुपेरियर रूम और दूसरा कौन सा है, डिलक्स रूम है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन, फ्रिज और सब सब कुछ दिया हुआ है। फ्रिज इतने एम्प्टी है पण क्रिस्टा। ओके, कॉफी मशीन इज हियर, सो विल मेक एस्प्रेसो। ये पूरा सी व्यू दिया हुआ है, अभी हम लोग सनसेट के लिए वेट कर रहे हैं।